नमस्कार दोस्तों, बजट 2019 जल्दी हमारे सामने आने वाला है और इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस हम सब के लिए महत्वपूर्ण होंगे ही कि हम हर साल अपनी जो इनकम की प्लानिंग करते हैं कि इस साल मुझे कितना टैक्स देना है, ये सब सरकार द्वारा दिए गए बजट के अनुरूप डिसाइड होता है कि इस साल मैं कितनी टैक्स लायबिलिटी देने वाला हूँ। तो बजट 2019 से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मैं जनता जनार्दन का व्यू जो मेरे को फील होता है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मुझे लगता है शायद सरकार वैसे तो अब तक अपने बजट प्रपोजल्स फाइनल कर चुकी होगी, लेकिन फिर भी यदि हमारी कोई बात सुन ली जाए और जनता जनार्दन को बेनिफिट मिले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे पहली बात सर हम सबके दिमाग में है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़नी चाहिए, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कोई कह रहे हैं सर 3.5 लाख रुपए हो जाए, कोई कह रहे हैं सर 5 लाख भी कर दे, तो ये सरकार का विषय है सर कि सरकार कितनी करती है। लेकिन हाँ, 3.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दिया जाना कोई गलत नहीं होगा सर। इसका एक लॉजिक मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्यों मैं एडवोकेट कर रहा हूँ कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए। हालांकि सरकारी स्तर पर यह सोचा जाएगा कि जब भी हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से हमारे को कर में कमी हो जाती है, तो ये सर एक प्रत्यक्ष इसका प्रभाव है कि टैक्स में कमी होगी। लेकिन सर अप्रत्यक्ष रूप से यदि सोचा जाए, जब भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ती है तो मेरा ऐसा मानना है सर कि और लोग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बढ़ने का फायदा लेकर के अपनी रिटर्न के स्तर को बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए सर, मैं पिछले साल तक 2.5 लाख की रिटर्न भर रहा था, टैक्स नहीं दे रहा था, और अब मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सरकार यदि 3.5 लाख कर दे और मैं अपनी रिटर्न को अब 3.25 3.50 के आसपास ले जाऊं, तो सर कहीं ना कहीं मेरी जो लोन लेने की कैपेसिटी है, मेरा जो बिजनेस करने की कैपेसिटी है, उसमें भी बढ़ोतरी आती है। और इस तरह की परिस्थितियां जहां पर मेरी लोन लेने की कैपेसिटी, क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ती है, तो सर व्यापार भी निश्चित रूप से उससे लाभान्वित होता है। तो ये जो पैसिव बेनिफिट सर इकोनॉमी में जाता है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो सरकार इस प्रकार की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाते समय मद्देनजर रखती होगी। तो पहली बात ये सर के आई एम विद यू के बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्यों ना बढ़ाई जाए, निश्चित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी बात, सरकार जो भी टैक्स लीकेजेस है उनको कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास करते ही आ रही है, और जो लोग टैक्स नहीं देते आप उनके ऊपर शिकंजा कसिए, परंतु जो लोग टैक्स बिल्कुल ईमानदारी से देते हैं या अपनी सही इनकम पर टैक्स देते हैं, उनको सरकार को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसी कड़ी में सर मैं जोड़ना चाहूंगा कि क्यों ना सरकार ATC के डिडक्शन की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर के 2 लाख करे। क्यों सर? क्योंकि हमारी जो बेसिक इकोनॉमी है सर, वो जब भी कभी गड़बड़ाई है वो इसी आधार पर संभलती है कि भारतीय लोगों का एक सेविंग हैबिट अच्छा है, और वो सेविंग हैबिट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि सेविंग कहीं ना कहीं न केवल किसी व्यक्ति विशेष को भविष्य में खड़ा होने में मदद करती है, बल्कि गवर्नमेंट को भी जब भी कहीं फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, बैंकों को फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, तो ये जनता द्वारा बचाया गया पैसा ही उस तरीके के बचत के रूप में काम में आता है। तो सर 80C की लिमिट में बढ़ोतरी सरकार को करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। तीसरा सर, सेक्शन 24 क्लॉज B में जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है वो सरकार ने बढ़ाकर के सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर सर 2 लाख रुपए कर दिया। 2 साल पहले सरकार ने इसमें एक चेंज करके ये कह दिया कि साहब हाउसिंग प्रॉपर्टी का नेगेटिव जो भी बैलेंस होगा यानी लॉस होगा वो 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी और इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। मुझे इस तरीके के किसी प्रावधान का लॉजिक समझ में नहीं आता। एक और आप कह रहे हैं सर कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख का ब्याज, और नॉन सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी रेंटेड प्रॉपर्टी पर कितने भी अमाउंट का ब्याज क्लेम कर सकते हैं। दूसरी ओर आप जाकर के बोलते हैं सेक्शन 71 में कि सर हाउसिंग प्रॉपर्टी होम लोन के अंदर या हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर मैं 2 लाख से ज्यादा का ब्याज नेगेटिव के रूप में यानी 2 लाख से ज्यादा का नुकसान किसी और हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकता, तो बाकी का लॉस मेरे को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, और वास्तव में इस तरीके के लॉस का एडजस्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो सर मेरा ये मानना है कि सरकार को इस तरीके के जो उन्होंने कोई प्रोविजन बनाया है, इस प्रोविजन को मैं गलत मानता हूं, और सरकार को इस प्रोविजन को हटाने पर ध्यान देना चाहिए। तो सर 3 बातें मैं आपके सामने कर पाया हूं। नंबर 1, गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट चेंजिंग एक्सटेंडिंग द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सेकेंडली, द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट एक्सटेंडिंग द ATC लिमिट। थर्ड, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रिमूव द प्रोविजन ऑफ लिमिटिंग ₹2 लाख डिडक्शन, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ
द नेगेटिव इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट एनी अदर इनकम। चौथा सर, मैं अपनी ओर से सजेशन दे रहा हूं कि सेक्शन 56 में सरकार ये कहती है कि यदि आप किसी से गिफ्ट लेते हैं और वो गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपए तक का है नॉन रिलेटेड पार्टी से, तो हम आपको टैक्स नहीं करेंगे, इससे ऊपर के अमाउंट को हम टैक्स करेंगे। तो सर 50,000 रुपए की जो लिमिट है, इस लिमिट को भी सरकार बढ़ा सकती है, इसमें कहीं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अमाउंट बढ़ाते भी हैं इस प्रकार से, 50,000 को 1,00,000 रुपए किया, तो कहीं ना कहीं सर इसकी वजह से कैपिटल बनाने में मदद होगी, और यदि कैपिटल बनेगी तो वो कैपिटल फिर से सर कहीं ना कहीं व्यापार में ही काम में आएगी। तो सर मेरा इस तरीके का पक्ष रखने का एक ही कारण है कि मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुक्स में कैपिटल दिखे, और यदि वो कैपिटल एक नंबर में दिखती जाएगी तो उसका प्रभाव अपने आप सर इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। तो सर मैं अपने इस बजट संबंधी डिस्कशन में ये संक्षिप्त डिस्कशन आपसे करना चाहता था। यदि बजट पर मेरे कोई और विचार रहे तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ सर, वंस द बजट विल बी आउट देयर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं बजट पर एक ब्रीफ एनालिसिस आपके रेफरेंस के लिए लेकर के आऊँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।